एक्शन और सस्पेंस से भरी फिल्मों की बात हो और रेस की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रेस की सभी सीरीज का प्रदर्शन बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा रहा है। रेस 1 और रेस 2 में मेन लीड में सैफ अली खान को फैंस ने काफी पसंद किया था और रेस सीरीज की इन दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर भी कई झंडे गाड़े थे। रेस 3 मेकर्स ने सलमान खान को लीड रोल में लिया था। भाईजान के स्टारडम और उनकी फैन फॉलोइंग के बावजूद भी रेस 3 बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास धमाल नहीं कर पाई थी। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि रेस की सीरीज में सैफ अली खान को फैंस ने ज्यादा पसंद किया था और रेस 3 के फ्लॉप होने के बाद कायस लगाए जा रहे थे कि मेकर्स एक बार फिर अगली सीरीज में सैफ की वापसी करा सकते हैं। लेकिन ताज़ा मिली जानकारी के मुताबिक फिल्म के निर्माता एक बार फिर से सलमान के नाम का रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही ये खबर है कि भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज केदार जावेद भी इस फिल्म में बॉलीवुड डेब्यू कर सकते हैं। ये किसी से छुपा नहीं है कि केदार बचपन से ही सलमान खान के काफी बड़े फैन रहे हैं और कई बार वो इस बात का जग जाहिर भी कर चुके हैं। इससे पहले क्रिकेट टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा ने इंस्टाग्राम वीडियो के जरिए ऐसा खुलासा किया है। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में अपने दूसरे वार्म अप मैच के लिए जाते समय बस में रोहित ने ये वीडियो बनाई। इसमें उनके साथ रविंद्र जडेजा और केदार जावेद भी नजर आ रहे हैं। इसी दौरान रोहित ने बताया कि केदार रेस 4 में एक्टिंग कर सकते हैं।